नमस्कार, मैं हूं तोरल, 23 दिसंबर की ताजा खबरों के साथ, और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव हुए और डीडीसी चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी को सदमा लग गया और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अब परेशान है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब राज्यों में चुनाव होते हैं तब हाथ में कटोरा लेकर अलग अलग कानून लाकर जात धर्म के नाम पर लोगों से वोट लेती है। अभी का ही ताजा तरीन कानून 370 को लेकर अलग अलग कहानियां बताकर भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के नाम पर 370 हटा दिया करके वोट मांगे थे। अब जब कश्मीर में चुनाव है तो किस मुद्दे से चुनाव लड़ेंगे? विकास तो कश्मीर में हुआ ही नहीं। कश्मीर के लोगों को ठगा है, जुल्म और जात धर्म के नाम पर दंगे कराए वो अलग। इसका ही नतीजा जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा इस चुनाव के जरिए दिया है। ये तमाचा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दिल्ली में बैठा गोदी मीडिया के ऊपर भी लगा है। ये वही गोदी मीडिया है जो सब खबरें बता रही है लेकिन बीजेपी की शिकस्त की खबरें नहीं बता रही है। कश्मीर में शिकस्त हुए भारतीय जनता पार्टी और वही गुपकार जो है वो कश्मीर में नंबर वन पार्टी बनकर उभरी है, क्योंकि ये चुनाव में ईवीएम का यूज ना होते हुए बैलेट पेपर का यूज किया गया। तो आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितने पानी में है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे तत्काल न्यूज लाइव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें।